एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के बज रही हैं 9 और मैं जो है बच्चों को सोता छोड़ के आ जा रही हूँ मार्केट। अभी सुबह सुबह बच्चे सो रहे हैं, गर्वित भी सो रहा है और इधर मम्मी भी सो रही है। वैसे मम्मी सो गई, मतलब ऐसे लेट हुई क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अनुष्का अभी दोनों सो रहे, क्या संडे है, संडे को बच्चे लेट उठते हैं। तब तक मैं सोच रही हूँ तो थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह ले आऊँ, मार्केट चले जाऊँ सब्जी मंडी। तो जब तक ये सो के उठेंगे तब तक तो मैं आ भी जाऊँगी। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना रही क्या, हाँ सो गया ये, गर्वित भी एक बार उठ गया था तो उठ के दोबारा से सो गया। और नाश्ता वगैरह मैंने पोहा बना के रख दिया, जैसे अनुष्का उठेगी तो खा लेगी। असल में तो हम आ ही जाएंगे जब तक ये सो के उठेंगे, अगर उठ गए बाई चांस तो खा लेंगे। अब फटाफट से मार्केट जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ और स्पेशल मम्मी आंबियाँ लेने भेज रही है क्योंकि अब की बार हमारा अचार बहुत डिले हो गया है। मुझे आंबी लानी है, अचार वाली है, अचार बनाना है, तो वही लेने जा रही हूँ। गाइस यहाँ पर वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बाद में कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सब्जी मंडी से आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा धूप थी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, मुझे लग रहा है कि सबसे गर्म दिन होगा क्योंकि भीड़ इतनी होती है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ऊपर से हमारी मातेश्वरी की तबीयत इतनी ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा। और बस फल लाए थे जो बच्चों को काट के दिए हैं, अभी ये आम भी मंगाई है, मम्मी ने ही मंगाई है। और यू कह रही अचार, मम्मी बनाने की हिम्मत है? कह रही कोई नहीं मैं बता दूंगी, बनाती रही हो, मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। पर अचार बनाना मम्मी का, वो कहते हैं ना शौक, मम्मी को बहुत शौक है अचार बनाने का। हर सीजन में नींबू का और आम का अचार मम्मी को बनाना ही होता है। अब की बार मैं सिर्फ 10 किलो लाई, पहले तो 5 ही किलो बोल रही थी, 10 किलो ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरे से इतनी ही कटेगी। मम्मी का ही काम था ये अचार विचार बनाने का, पर अब की बार मम्मी के बस का है नहीं, तो बस मम्मी मुझे बताती रहेंगी, मैं काटती जाऊँगी। बस इनको भिगोना है आंबियों को, पानी में डालूँ ना मम्मी इनको, मतलब आज और पूरी मतलब रात तक उसमें, मतलब कल संभालेंगे, फिर रात भर पानी में छोड़नी है तो ये रात भर पानी में रहेंगी अभी। और फिर कल इनको काटेंगे, फिर अचार बनाएंगे, तो प्रोसेस लंबा चलेगा। और अभी नाश्ता तो बना के गई थी बच्चों को, तुमने खाया कुछ बेटे? पोहा बना के गई थी, खाया अमनी अनुष्का? नहीं खाया अमनी ने, पोहा खाया, मिर्ची नहीं लगी, अच्छा था। चलेगा इस भी, नाश्ता तो बना के गई थी, बस दाल वगैरह बना के गई थी, तड़का लगाना रह रहा है। तड़का वगैरह लगाती हूँ, सामान वगैरह फ्रिज में लगाती हूँ, सारा कुछ रामबिया डालती हूँ पानी में। खाने की उम्र है, थोड़ा थाल खाने की बात होगी जब खा लेंगे। क्या ये नुकसान में गई है ना, मतलब है तो ये क्या बोलते हैं, नाशपति वैसे तो मीठी है, नाशपति ये छोटी है, छोटे से बाबू गुस्से के आगे फेल है ये कोई खाएगा नहीं, बेकार है। पैसे पैसे मीठी निकली मम्मी, बाबू बोसे मीठे निकले, और ये मौसमी भी। मौसमी कैसी है? मौसमी बढ़िया, ऐसे देखो सिंपल सी बात है, अगर पैसे अच्छे डालोगे ना चीज अच्छी मिलेगी। मौसमी भी पैसे, प्यास बेटा पानी लाइयो भाई के लिए, मौसमी भी अच्छी, बाबू बोसे भी अच्छी, मैंगो भी अच्छी, बस ये थोड़ा सस्ते मिल गया 30 रुपए किलो, उसी हिसाब से भाई। ये अचार डालेंगे ना इनका, अचार डालेंगे पानी में भिगोएंगे, बढ़िया है। आम भी अच्छी है मेरे हिसाब से, तो ठीक मिलेगी, नहीं बढ़िया मिल गई आम भी। अभी जो वो बोला थी ना मोटे वाली, बढ़िया मतलब बोल थी, वो थी 250 रुपए धड़ी, 220 लगा रहे थे, 220-250, लेकिन इनका भी अचार अच्छा बनता ही है, 120 रुपए धड़ी लगाई है, 150 रुपए धड़ी बोल रहे हैं। आम भी तो अच्छी दिख रही है वैसे, ये भी अच्छी आम भी, ये देखो वो छोटे वाली नहीं है जो बिल्कुल ही बेकार होती है, ये अच्छी वाली है, मतलब मीडियम रेंज की है और अच्छी है। तो इतनी महंगी आम भी लाके क्या पैसे भी हमारे बचेंगे, हमें पैसे भी तो बचाने हैं, ऐसे थोड़ी ना अचार हमारा अच्छा मम्मी बनाई देती है, मस्त लग रही है, बढ़िया हरी हरी कच्ची। पर अब की बार ना मैं बनाऊंगी अचार, अच्छा मम्मी बनवाएंगी, मतलब मम्मी गाइड करेंगी, मैं बनाऊंगी, ठीक है, तो देखते हैं कैसा मतलब बनेगा। पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि अरे बना देगी तुझे, है ना, सारी चीज बना देगी, ये भी बना देगी मम्मी की गाइडलाइन से, मम्मी गाइड करती रहेंगी और तू बनाती रहेगी, अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा अगर ठीक हो जाएंगी दादी, ये आगे ना थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी को बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे दादी, आप ठीक हो जाओगे, खाता भी रहे, गर्दन दबा रहा है दादी, कैमरा इसलिए ऑन हुआ है, दबा रहा, कह रहा था पापा वीडियो बनाओ, मैं दबा रहा हूं, बताओ देख लो चलेगा काम है, गर्वित
वीडियो भी दबाएगा ना, वीडियो नहीं बनाएगी। एक मिनट इधर करना, मैंने इससे पूछा बेटा आपने दादी की गर्दन दबाई, दादी की गर्दन में दर्द था तो कहता हाँ दबाई मैंने, फिर कहता मैं कैसे दबाई, जाके दबाने लग गया और कहता है कि पापा वीडियो बनाओ मेरी में दबा। तो गाइस दिल्ली में आ गई है बारिश और ये देखो ये बच्चे नहा रहे हैं। अभी क्या कर रहा है, बारिश की वजह ले रहा है, बारिश की वजह ले रहा है ये, और कई दिनों बाद बारिश आई है तो बच्चे अभी इस टाइम नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हैं, ये क्या, ये लो जी, ये नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगी, देखो वो ही चालू बैठी बैठी। इतना समझाया, इतना मना करा कि आपको नहीं करना, लेकिन फिर भी देखो आम भी काटने लग गई। बताओ आपके काटे बिना तो कैसे पता लगेगा, है ना, आपको तो। ये देखो जी ये आम भी लाए थे हम, वो हटा ले, वैसे तो सही लग रही है, बढ़िया लग रही है, मस्त है। ये तीन गुठलियां, तीन आंबिया का गुद्दा है, तीन आंबियों का गुद्दा, देखो कितना निकला, कितना गुद्दा, बढ़िया जबरदस्त। और ये हमारी अनुष्का भी चल पड़ी है, नहीं देखी, नहीं देखी। ये देखो अनुष्का भी पहुंच गई है। क्या कर रहे हो बच्चों, तुम मानोगे नहीं, है ना, बीमार हो गए फिर। क्या देख लिया मम्मी को, मम्मी से ही कटवा लिया, मम्मी सारे आप ही काटना, ठीक है। इन्हें पता कितनी मेहनत लगती है, बर्तन में दर्द हो जाएगा, आप बर्तन में अपने आप काट लूंगी, छोड़ दो इनको, रख दो, काट के दिखाई है, ये तसल्ली नहीं थी कि पता नहीं कैसे काटे काटे की टेढ़ी मेढ़ी। ये देखो अभी इनके फ्रेंड्स भी आ गए हैं, फ्रेंड्स नहा रहे हैं, तो सारे बच्चे मिलके बारिश का मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इधर मम्मी लगी हुई हैं आम भी काटने में, और ये पापा भी बैठे हैं, मम्मी बाज नहीं आएंगी। क्या हो गया, बारिश सूट गिला गया, उतार वो सूट नहीं, सारी लोअर पीछे। क्या गीला हो गया, ओहो बताओ कि ये कराए पे पानी फिर गया, ओ बादल गरजने लगे, जल्दी आ जा। मैं कभी अभी 4 बजे लेटी थी, अभी 4:45 हो रहे हैं, इतने देर में बारिश भी आ गई और मम्मी ने आम भी अभी काटने शुरू कर दिया। वैसे आम भी अच्छी आई है, बढ़िया लग रही है ना, पर मम्मी से देखो रुका नहीं जाता बिल्कुल भी, क्या करूं। अब चाय बनाती हूँ शाम की, चाय बनाती हूँ शाम की, चाय पी के फिर काटनी है, वो भी बहुत ही थी ना, अभी 5-6 घंटे तो भीगनी चाहिए, तो भीग के फिर वो काटने का, ये रखी है। अच्छा वो सैंपल के तौर पे, अच्छा ये यहाँ रखी है, वो सैंपल के तौर पे मम्मी ने काटी है। मम्मी के तसल्ली को ये लगा कि पता नहीं कैसी काटेगी मम्मी के, अपने हाथ ही मतलब वो है ना चुल मचती है करने की काम, तो वो काट के देखेगी कैसी आम भी है, गुद्दा कैसा है, प्रॉपर ही है, अब तरीके से। अब सेटिस्फेक्शन मिलगी ना, मजा आएगा। 1 किलो 833 मतलब 624 ग्राम, 1 किलो 833 ग्राम थी। मम्मी मिर्च कल धूप सुबह बढ़िया निकलेगी, धूप में 1 घंटा सुखाएंगे, फिर क्या फायदा है, ये दबे जाएगा, ये आज मतलब इसको कर देंगे फिर पलट देंगे ना उसमें मिर्च, इस गुद्दे के ऊपर बहस हो रही है सारी, ये चार इसका ये निकाल के फिर कल 2 दिन। अरे सीधी सी बात है, इसको निकालो, इसको उतारो, और इसको उतारने के बाद फिर इसमें आ जाएगी ढंग से, इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा, कोई ये मुद्दा ये नहीं हो रहा, यहाँ पे मुद्दा ये चीज का हो रहा है। मम्मी गई हुई थी बुराड़ी मतलब बड़े वाली दीदी के घर, तो तब जो है मम्मी ने बोला था कि मिर्चे ला के सुखा दियो, लाल मिर्चे, वो मैं ला नहीं पाई किसी कारणवश, और मम्मी ये कह रही है कि मिर्चे ला के तो सुखा देती ना, वो जो अचार में डालते हैं हम, तो अभी डल जाती, अब मैं आज ही लेके आई हूँ मिर्चे, वो तो मैं मम्मी को बोलूँ सुबह धूप में सुखाएंगे 1 घंटा और फिर दबा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, मिर्चों के पानी में तो दबानी है, आंबी के पानी में, वो लेट हो जाएंगी, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है सारा काम हो जाएगा, मैं करवा दूंगी एडजस्ट। ना वो मैंने किया ना क्योंकि शाम का खाना वाना तैयार किया, मार्केट से सामान लेते थे, मम्मी ने आम भी काट दी, मम्मी के चुल मचती। बताओ
और मम्मी रह नहीं सकती, मतलब ये करे भी ना। मम्मी को अचार को कहते ना शौक बहुत ज्यादा है, तो ये फिर भी उन्होंने कर दिया। हालांकि गर्दन दर्द कर रही है, अभी गर्दन पे मैं दवाई लगाऊंगी मम्मी के। खाना बना मतलब अभी रोटियां बना के तैयार तो है खाना, इसमें नमक डाल के छोड़ देते हैं। ऐसे ही ठीक है, मिर्ची जरूर डालनी है अब की बार, वो मिर्च लाल बहुत बढ़िया लगती है। ये तो डाल लो पहले, मिर्चे तो जब डालोगे पहले ये तो डाल लो। क्या अचार हो गया बस, पहले हिम्मत नहीं है मम्मी की। मम्मी ने बस काट दिया, मम्मी को फुल रेस्ट कराएंगे और हम कोई और अचार मना करते करते मम्मी पर। अब मम्मी की बैंड बज चुकी है, कर तो दिया ये काम मम्मी ने। मम्मी के भी सबर नहीं आया जब तक अपने हाथ से नहीं कर लिया मम्मी। मम्मी को ये था कि कहीं खराब खराब ना हो जाए मेरे हाथ से, क्योंकि मुझे आदत है नहीं डालने की अचार, पहली बार ही काटती मैं। पर मैं और काम इतना मैंने किया, इतना मम्मी से बैठा तो जाता नहीं। पर अब मम्मी आप आराम करो जाकर, फुल्ली आपकी बार का डाल दिया मम्मी ने। चलो ठीक है ना, कल बनाएंगे इसमें मसाला वसाला, कल मिक्स करेंगे फिर रख देते हैं। अब इसको दो दिन बाद संभालना है। अब भी मम्मी उठा के खड़ी है। वो मोहित के पापा खाते हैं खुश हो गए, वो वाली चटनी बनाती मीठी वाली। अचार डाल दिए, दो दू इसको, दो दू वो चटनी बनाती, वो मीठे वाली चटनी नहीं पराठे के साथ इतनी अच्छी लगती। बना ली दो है ना, दो को एक बार बना लिए ये तो खराब हो जाए। तो डाल दे, टाइम लगेगा मम्मी बनाने में, सुबह बना दूंगी, फ्रिज में रख दूँ। चेहरे अंदर चलो नमक डाल दिया, तो फिर कल फिर हम भी वो स्पेशल ला के बना दूंगी 1 किलो की। और आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू व्यूअर्स देख रहे हो तो। चलिए बाय बाय, कल देते हैं।